Assalamualaikum. I am from Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is the lecture number 5. Depart is BS English 4th subject, Pedagogical Grammar. The topic is noun phrase, gender, number, case. And I am Ikra Khan, English lecturer. जी, जैसे कि हमने आप लोग जो हमने पढ़ा था इस प्रीवियस लास्ट लेक्चर्स में नाउन डेफिनेशंस ऑफ नाउन इन द लास्ट लेक्चर फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द ऑल पार्ट्स वी डिस्कस्ड ऑल पार्ट्स एंड देन नाउन इज इन डिटेल्स द टाइप्स ऑफ नाउन लाइक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल मटीरियल एक्सेट्रा बहुत सारे नाउन्स जो हैं वो हमने रीड किए थे टाइप्स. अब ये जो है ये है नाउन फ्रेज है एंड देन जेंडर है नंबर है एंड केस. इनको हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस नाउन फ्रेज एंड देन व्हाट इज फ्रेज वी डिस्कस. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज फ्रेज. Examine the group of words in a corner. It makes sense but not complete sense. Such a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase. ठीक है, फ्रेज जो है वो ऐसे अल्फाज का मजमू है जो कि आपको सेंस तो देते हैं बट कम्प्लीट सेंस नहीं देते. ठीक है, जैसे इन अ कॉर्नर है, यहाँ पे एग्जाम्पल है कॉर्नर में यानी कोने में. अब ये आपको सेंस दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक फ्रेजेस द सन राइजेज इन द ईस्ट. अब यहाँ पे आपके पास जो फ्रेज है वो है इन द ईस्ट और द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये फुल एक क्लॉज है सेंटेंस जो कि कंप्लीट सेंस दे रही है. क्लॉज क्या है वो होगा कंटेन अ इन अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज एंड गिव अ कम्प्लीट थाट एंड कम्प्लीट सेंस. ठीक है, जो आपको कम्प्लीट सेंस दे रही है कम्प्लीट मीनिंग दे रहे हैं थाट्स दे रहे हैं वो क्लॉज होगा सेंटेंस होगा. लेकिन इट्स एट ऑपोजिट एंड ऑन द अदर हैंड द वर्ड्स विच हैव नॉट कम्प्लीट सेंस एंड नॉट गिव अ कम्प्लीट थाट इज कॉल्ड अ फ्रेज. ऑन अ वॉल टू माई डोर एट द रोड इस तरह से जितने भी एग्जांपल्स होंगी वो फ्रेज की होंगी. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ नाउन फ्रेज. यस, व्हाट इज़ नाउन फ्रेज एंड व्हाट आर नाउन फ्रेजेस. एग्जांपल इज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द बॉय वांट्स समथिंग. द बॉय वांट्स टू गो होम. द वर्ड Something is a noun and it is the object of the verb wants. In sentence one, अब first sentence में जो है वो आप देख सकते हैं कि the word जो something है वो noun है. The boy wants something. अब देखें इसमें something यानी वो कुछ चाहता है. ठीक है, boy जो है वो उसको कुछ चाहिए तो चाहता है वो. तो इसमें जो है वो something जो है वो noun है and it is the object of the verb wants. अब इस जो wants है ना वो वर्ब है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे वो काम कर रहा है. सिमिलरली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गो होम इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट्स इन सेंटेंस सेकंड. अब देखिए सेकंड सेंटेंस में जो टू गो होम यानी यहाँ पे जो वर्ड्स है टू गो होम इज द टू गो होम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है वांट्स का. ठीक है, यहाँ पे टू गो होम जो है वो ऑब्जेक्ट है. वॉन्ट्स जो है वो वर्ब है. समथिंग जो है वो द बॉय एंड समथिंग ये दोनों आपके पास नाउन है तो ये नाउन फ्रेज होगी. द बॉय वॉन्ट्स समथिंग. द बॉय वॉन्ट्स टू गो होम. यहाँ पे टू गो होम है ये भी ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. द बॉय दोनों सेंटेंसेज में द बॉय जो है वो आपके पास नाउन है. वॉन्ट्स समथिंग. अब समथिंग जो है वो रिलेट कर रहा है बॉय से तो यहाँ पे ये हो गया आपका नाउन फ्रेज. द बॉय वांट्स टू गो होम यानी लड़का जो है वो जाना चाहता है घर. टू गो होम भी ऑब्जेक्ट है बॉय का तो यहाँ पे ये भी आपका नाउन फ्रेज हो गया. इस तरह से यानी आपको बताया जा रहा है हंस दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज द वर्क ऑफ अ नाउन.
द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गो होम इज देयर फॉर अ नाउन फ्रेज. ठीक है, अब टू गो होम जो है वो नाउन फ्रेज के तौर पर काम कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज ही होगी. डेफिनेशन को देख लेते हैं. अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन. यानी नाउन फ्रेज जो है वो अल्फाज का एक ऐसा मजमू है जो कि काम करेगा नाउन के तौर पर. ठीक है, तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगी. फर्दर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन फ्रेजेज, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, फर्दर उनको भी एक बार जो है वो अच्छी तरह से देख लें. अर्ली टू बेड इज़ अ गुड मैक्सम, जल्दी सोना जो है वो एक अच्छा कॉल है. तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज. देखें फर्स्ट प्राइज उसने विन करना है, तो उसको उम्मीद है कि वो फर्स्ट प्राइज जो है वो विन करेगा इस तरह से. तो ये हो गई नाउन फ्रेज, टू विन द फर्स्ट प्राइज, या ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज. यहाँ पे द फर्स्ट प्राइज जो है ये नाउन फ्रेज है. वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट. ही लव्स टू इशू हार्श ऑर्डर्स. हार्श ऑर्डर्स डेफिनेटली इसमें नाउन फ्रेज है. डिड यू एंजॉय रीडिंग दिस बुक. रीडिंग दिस बुक इज नाउन फ्रेज. टू ट्राई, आई ट्राई टू गेट द सम राइट. टू गेट द सम राइट पूरा जो है यहाँ पे नाउन फ्रेज है. टू विन अ प्राइज इज माई एम्बिशन. इट्स ऑल सेंटेंस इज अ नाउन फ्रेज. टू विन अ प्राइज इज एक्चुअली इज अ नाउन फ्रेज. अटेंडिंग अबाउट इन कोल्ड वेट विंड डिड मी नो गुड. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं नाउन फ्रेज की, और नाउन फ्रेज आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा. अब हम जो है वो नाउन के जेंडर, नंबर और गेस की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि जेंडर जो है वो क्या होगा नाउन में. जी, द नाउन जेंडर. यू नो डैट लिविंग बींग्स आर ऑफ इधर द मेल और द फीमेल. नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स. ठीक है, हम जब मेल और फीमेल जो है वो थिंग्स बींग्स के बारे में बात करते हैं, तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में. फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको मेल और फीमेल के साथ, जिस तरह बॉय है, गर्ल है, लाइन है तो लाइनस है, हीरो हीरोइन है, कुक है तो हैन है, स्पैरो स्पैरो. ठीक है, इस तरह की चीज़ों में हम इनको, इनकी कैटेगरीज़ बना देते हैं कि ये मेल हैं और ये फीमेल हैं. और यहाँ से जो है वो हमें आइडिया हो जाता है कि जब हम इनकी जेंडर को देख रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये जेंडर इसमें कौन से सेक्स की बात हो रही है, मेल की या फिर फीमेल की. What do you notice? The first word of each pair is the name of male animal. आपने नोटिस किया है कि फर्स्ट वर्ड यानी जो भी फर्स्ट आपके पास जो लाइन थी बॉय वाली, उसमें ब्रैकेट में सारे जो हैं वो मेल एनिमल्स हैं. ठीक है, और जो सेकंड है उसमें फीमेल हैं. द नाउन डैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी द मस्कुलिन जेंडर. ठीक है, जो मेल को करेगा वो मस्कुलिन जेंडर होगा. A noun that denotes a female animal is said to be a feminine gender. और जो denotes करता है female animal को या female gender को, तो वो होगा feminine gender. ठीक है, ये दोनों आपको, आपने understand कर लिए होंगे कि masculine and feminine gender जो हैं वो क्या हैं. जो masculine gender है वो male male beings को, यानी male को और male animals को, male livings को जो है वो denote करता है. On the other hand, the feminine gender is denoted by the female and female beings and female animals and female things जो है वो उनको, living things को जो है वो, living beings को denote करता है. Next देखते हैं, a noun that denotes either a male or female said to be a or of the common gender. ठीक है, यानी वो कहते हैं ऐसे gender जो कि जिसमें आपको नहीं पता चल रहा, यानी वो इशारा कर रहे हैं दोनों में, यानी मेल भी है और फीमेल भी हो सकता है, तो वो होगा कॉमन जेंडर. फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, अब देखें पेरेंट्स में एक मेल भी है और एक फीमेल भी है, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो कॉमन जेंडर में आएंगे. इट्स नॉट अ मस्कुलिन एंड नॉट अ फेमिनिन जेंडर. और इसी तरह चाइल्ड है, अब बच्चा है वो शायद बच्ची भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है, यानी छोटा बेबी चाइल्ड जो है वो बेबी गर्ल भी हो सकता है, बेबी बॉय भी हो सकता है, हमें नहीं पता. तो चाइल्ड जो है वो भी कॉमन जेंडर में ही हम इसको इंक्लूड करेंगे. अच्छा, पीपल हैज सर्वेंट्स हैं, थीव्स हैं, रिलेशन इसमें कोई भी आ सकता है, एनिमी आ सकते हैं यानी दुश्मन वगैरह, कोई कज़न, कोई पर्सन, कोई ऑर्फन्स यानी कोई यतीम है, स्टूडेंट्स हैं, बेबी है, अच्छा मॉनर्स है, नेबर है, इन्फेंट हैं. ठीक है, ये सारे जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं कॉमन जेंडर में. अब नेक्स्ट है, अ नाउन डैट डिनोट्स अ थिंग डैट इज़ नेदर मेल और नोर फीमेल.
यानी एक ऐसा नाउन जो कि ना ही किसी के मेल होने को जाहिर करता है ना ही फीमेल होने को, ठीक है, यानी वो ना ही वो उसकी जेंडर को शो नहीं कर पा रहा है वहाँ पे कि वो मेल है या फीमेल, ठीक है। तो वो होगा थिंग विदाउट लाइफ, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें आ सकती हैं, जैसे बुक है, पेन है, रूम है, और ट्री जो है वो लिविंग थिंग्स में आता है बट इज़ नॉट एन शो द जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, ट्री इज़ नॉट अ फीमेल और मेल, द कॉन्सेप्ट इज़ नॉट इंक्लूड इन ट्री, लाइक सो डैट्स वाई वी कॉल्ड द कॉमन जेंडर, ट्री इज़ वी कंसिडर्ड लाइक अ कॉमन जेंडर। तो हम उसको न्यूट्रल जेंडर में करते हैं, उसको कॉमन जेंडर में हम नहीं करते, बिकॉज इसमें कोई जेंडर का कोई डिनोट नहीं किया गया होता हमें कि ये मस्कुलाइन है या फिर फेमिनिन है। तो इस वजह से हम इसको देखेंगे कि ये जो है न्यूट्रल जेंडर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेदर मीन्स नेदर, डेट इज़ नेदर मेल नोर फीमेल, ठीक है, यानी ये ना तो मेल है और ना ही फीमेल है। अब देखिए, नाउन जो ये हमने जेंडर को पढ़ा है, इसमें हमने फोर फोर टाइप्स इसकी पढ़ी हैं जो नेक्स्ट फर्दर हैं, वो जेंडर्स, यानी सबसे पहले फेमिनन है, मस्कुलन है, मस्कुलन है, फेमिनन है और कॉमन है, इसके बाद न्यूट्रल जेंडर है। मस्कुलन नाम से ही पता चल रहा है, यानी मेल को जो है वो मस्कुलन जेंडर जो है वो डिनोट करता है, और फीमेल्स जेंडर जो होगा वो फेमिनन जेंडर है। कॉमन यानी कि जिसमें हमें आपको कोई परफेक्ट कोई आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसमें आइडिया नहीं होता तो हम उसको कॉमन दे देते हैं, यानी कॉमन जेंडर है। फॉर एग्जांपल, सर्वेंट्स हैं, मेड हो गए, कोई जो रूममेट वगैरह हो गए, इस तरह की जो है थिंग्स जब आप इसमें काउंट कर रहे होते हैं तो ये कॉमन होते हैं। और कुछ ऐसे नाउन्स जिसमें वो ना फीमेल हो ना वो मेल हो तो वो न्यूट्रल जेंडर होंगे, ठीक है, जैसे बुक है, पेन है, रूम है, ट्री है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन फेमिनाइन ऑफ नाउन्स। देर आर द थ्री वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स, यानी यहाँ पे तीन जो है वो वेज बताए गए हैं, उनको फॉर्म किया गया है फेमिनिन नाउन्स को बाई यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स। देख लेते हैं वो कौन से हैं, एज बैचलर है, मेड है, स्पिनस्टर है, बॉय, गर्ल, जैसे ये एक सिंपली आप देखते हैं मस्कुलिन फेमिनिन है, मुजक्कर मोनस जब आप देखते हैं लड़का लड़की तो वो बॉय गर्ल, ब्रदर सिस्टर, बक जो बुल, ऑक्स और काओ, और इस तरह के डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्लॉक है, हेफर है, कुक हैन है, कोल्ड फिली है, डॉग का बीच है, ब्रैक का डक है, ड्रॉन बी, अर्ल काउंटेस है, फादर मदर है, और केंडर गूज है, जेंटलमैन लेडी है, इस तरह से ये सिंपल है। ठीक है, अब सेकंड जो वे है वो देखते हैं कि वो क्या है। जी, सेकंड वे है बाय एडिंग अ सिलेबल। हम सिलेबल यानी कोई भी प्रिफिक्सेस या सफिक्सेस को ऐड कर कर उसमें चेंजिंग कर देते हैं और उसको जेंडर चेंज कर देते हैं उसका थिंग का। फॉर एग्जांपल, ई डबल एस लगा दिया, आई एन ई लगा दिया, टी आर आई एक्सट्रिक्स लगा दिया, ए लगा दिया, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, ऑथर से ऑथरस, बैरन बैरनेस, काउंट काउंटनेस, काउंटेस हो गया, जैसे मिस्टर से मिस्ट्रेस हो गया, जेंटलेस हो गया, जेंटलेस्ट, इस तरह से डिफरेंट हम इनको बनाते हैं। ये देख लें यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, हॉस्टेस है, जुएश है, जुएस है, लाइन्स है, लाइनस है, मैनेजर मैनेजरस है, मेरस है, बहुत सारे यहाँ पे जो हैं वो एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि थर्ड वे जो है वो कौन सा है। अच्छा, और भी एग्जांपल्स हैं मस्कुलाइन फेमिनेंस की, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ई डबल एस लगा देते हैं, आई एन ई लगा देते हैं, और ये देखें यहाँ पर जैसे आई एन ई लगाया, हीरो से हीरोइन है, और आर आई एक्स लगा देते हैं तो ये टेस्टर से जो है वो टेस्टरिक्स बन गया, और सुल्तान से सुल्ताना, ए लगा दिया, ठीक है, और फॉक्स से विक्सन, यानी उसका चेंज कर दिया, विक्सन बना दिया, और एज अच्छा बाय, अब थर्ड जो है वो है बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, यानी आप उसके स्टार्टिंग में और आफ्टर यानी एंड पे कुछ और न्यू वर्ड्स लगा देते हैं और वो बना देते हैं। ये हो जाएगा जैसे सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस होते हैं, ये भी एक तरह से वही हैं, जो ऊपर वाले थे वो इनफ्लेक्शनल डेरिवेशनल में आ जाते हैं।
जबकि ये वाली जो टाइप है ये सफिक्सेस और प्रिफिक्सेस यानी इनफिक्सेस में आ जाती है। जैसे ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड मदर है, ग्रेट अंकल से ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट से मेड सर्वेंट है, लैंड लॉर्ड से लैंड लेडी है, मिल्क मैन से मिल्क वुमेन है, पीकॉक से पीहन, सेल्स मैन से सेल्स वुमेन, वॉशमैन से वॉशर वुमेन। ठीक है, इस तरह से ये थ्री इसकी जो है वो वेज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जेंडर को यानी मस्कुलिन एंड फेमिनिन में चेंज कर देते हैं। जी अब देखते हैं द नाउन एज अ नंबर। ठीक है, नंबर में हम देखते हैं कि जब हम नाउन को एज अ नंबर देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं। जाहिर बात है आपके माइंड में भी ये चीज़ आएगी कि नंबर में यानी सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो यही चीज़ें होंगी। नोटिस द चेंज ऑफ द फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। ट्री है, बॉक्स है, फॉक्स है, मैन है, तो इसको हमने एस लगा दिया, ई एस लगा दिया, ई एन लगा दिया और ई लगा दिया। जैसे ट्री है तो ट्रीज, एक एस लगा दिया। बॉक्स है तो बॉक्सेस, ई एस लगा दिया। फॉक्स है तो ऑक्सन, ये चेंज कर दिया। मैन है तो ई लगा दिया है की जगह, तो ये मैन बन गया। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म बन गई है। फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन। जो फर्स्ट रो है उसमें देखें आप तो वो सिंगल को शो कर रहा है, जबकि सेकेंड ब्रैकेट्स जो है उसमें मोर देन वन यानी वो प्लूरल को शो कर रहा है। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। और जो भी नाउन जो कि डिनोट करता है एक पर्सन और एक चीज़ को यानी, तो वो कहलाएगा सिंगुलर नंबर। एस फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय है, गर्ल है, काओ है, बर्ड है, ट्री है, बुक है, पेन है। तो इसी तरह अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन अ प्लूरल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉयज़, गर्ल्स, काउस, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स एंड पेन्स। ठीक है, दस देर आर टू नंबर इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड द प्लूरल, द वर्क फॉर्म एस। ठीक है, ये देखें यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म, अब प्लूरल्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। सिंपली वी एड एस टू मेक अ प्लूरल things, for example boy to make add s and is make a new word and is a plural form boys, pen so we use s in the last, तो ये बन जाएगा आपका plural form, the pens, girls, desks, books, cows, but nouns ending in s, sh, ch, ये वाले nouns जो soft जो हैं वो उनको बोलते हैं जिसमें soft sound आ रहा होता है, s का, sh का और ch यानी che का और x का, फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। तो ऐसे नाउन्स पे आप एंड पे s नहीं लगाते बल्कि ई एस लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास, तो क्लासेस। अब अगर आप इसमें e ना लगाएं, e ना लगाएं तो ये ट्रिपल x s बन जाएगा, तो ये रोंग होगा, तो आप इसमें ई एस लगाएंगे। किसेस, डिशेस, ब्रशेस, मैचेस, वॉचेस, ब्रांचेस, टैक्सेस एंड बॉक्सेस। ठीक है, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ। ठीक है, कुछ नाउन वो कहते हैं कि जो है वो एंड होते हैं ओ पे, ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। उनको भी जो है वो प्लूरल बनाने के लिए, सिंगल से प्लूरल बनाने के लिए हम ऐड करते हैं ई एस को। बफालो है, जैसे बफालोज, तो मैंगो है, मैंगोज, हीरोज, पोटैटोज, कार्गोज, इकोज, नेग्रोज, वॉलकैनोज। ठीक है, इस तरह से अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेयरली एड एस, यानी कि कुछ साउंड्स जो हैं वो ओ पे होते हैं तो उनको भी एज ही आप मेयरली जो है वो एड एस करेंगे और वो प्लूरल फॉर्म आपकी ईजिली बन जाएगी। यहाँ पे चंद एक एग्जाम्पल्स जो हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, इनको भी आप जो है वो देख लें। डायनामो है तो डायनामोज, सोलोज, रेशोज, कैंटोज, मेमेंटोज है, पार्टोज है, किलोज है, फोटोज है, पियानोज है, लोगोज है, कमांडोज है, कमांडो वगैरह। तो नाउन एंडिंग इन वाई, अब देखिए ये न्यू एक आ गया है जिसमें वाई होता है लास्ट में, प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट, और उससे जो है वो उसके बाद में आप जो है वो कंसोनेंट लगा देते हैं। वाई यानी कंसोनेंट पे ख़त्म हो रहा है, फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई। वाई को आपने चेंज कर देना होता है
आई में वाई को रिप्लेस कर देना होता है, बल्कि चेंज नहीं मैं कहूँगी, रिप्लेस कहूँगी, बिकॉज हम वाई को वहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, ख़त्म करके आई यूज़ कर देते हैं। तो जो नाउन आपके सिंगल में आ रहे होते हैं जिस पे लास्ट में वाई आ रहा होता है, अब वाई को आई से रिप्लेस कर देते हैं एंड देन यूज़ ई एस। सेम जैसे बेबी है तो बेबीज़, लेडी है तो लेडीज़, सिटी है तो सिटीज़, आर्मीज़, स्टोरीज़, इस तरह से पोनीज है। और यहाँ पे द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ़ और एफ़ ई, यानी कुछ नाउन हैं जो एफ़ पे और एफ़ ई पे ख़त्म होते हैं, उनको भी आपने रिप्लेस कर देना होता है वी पे और आगे ई एस लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थीफ़ है चोर तो थीव्स आ जाएगा, वाइफ है तो वाइव्स, वुल्फ है तो वुल्फ्स, लाइव लिव लाइव्स है, कॉल्फ्स लीव्स, लोव्स नाइव्स, शेल्व्स हाव्स, आई एल्व्स सेल्व्स एंड शीव्स। ठीक है, इस तरह से आपने इनको बना लेना है। द नाउन स्ट्रॉ हूफ स्कार्फ एंड रफ टेक इधर एस और वी ई एस द प्लूरल। सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक एस। ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही जो है वो काउंट कर सकते हैं। स्वाइन शीप है, डियर है, कोड है, ट्रॉट है, सैलमन है, एयरक्राफ्ट है, ये इस तरह के जितने भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं इनको भी आप नोट डाउन कर लें। और 3.5 पे आए अगर तो सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल, कुछ नाउन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल के तौर पे काम जो है वो होते हैं, उसका डिनोट किया गया होता है उनको एज अ प्लूरल फॉर्म, जैसे बेरोज है और सीजर्स है, टोंग्स हैं, पिंसर्स है एंड स्पेक्टर्स है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए नेम्स ऑफ सर्टन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। कुछ आर्टिकल्स यानी कि जो ड्रेस के होंगे, जैसे उनको अब देखें तो ट्राउज़र्स है, ड्रॉर्स है, ब्रचेस है, जीन्स है, टाइट्स है। आप इसको टाइट और जीन जो है वो उसके बजाय जो है वो आप टाइट्स एंड जीन्स एंड शॉर्ट्स पजामाज जो है वो यूज़ करते हैं। सर्टन अदर नाउन्स एज एन अनल स्ट्रॉन्ग थैंक्स प्रोसीड्स फॉर ऑफ अ सेल, इस तरह के जो हैं वो यूज़ होंगे। सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज इन द प्लूरल, जैसे है आर्म्स, रिचेस, ईव्स। ठीक है, इस तरह से रिचेस टू मैनी थिंग्स। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन्स होते हैं जो कि लगते हैं प्लूरल बट वो सिंगुलर होते हैं, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, लेकिन इट्स नॉट अ प्लूरल, इट्स अ सिंगुलर। मैथमेटिक्स या सिंगल सब्जेक्ट, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, इस तरह के जितने भी होंगे ये आपको जो है वो सिंगल ही होंगे, बट वहाँ पे आपको लग रहा होगा मे बी कि ये प्लूरल है, इनके साथ एस का जो है वो ऐड किया गया है तो इंक्रीज़ किया गया है इसे, तो ये फिर भी ठीक है, ये जो है वो इनफैक्ट दे आर सिंगल। द वर्ड न्यूज़ एंड नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीज, अच्छा मीज़ल्स है, मम्स है, विक्स है। नेम्स ऑफ सम गेम्स जिनको आप इसी तरह ही बोलते हैं, बिलर्ड्स है, डॉग्स है, ये देखें जैसे यहाँ पर अब है द जैपनीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। अब यहाँ पे आप इसको कभी भी जो है वो एज अ सिंगल कंसिडर नहीं कर सकते, आप इसको देखेंगे एज अ प्लूरल फॉर्म में, द जैपनीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। ठीक है, ये जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। अब है अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इन प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स, एस कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल, सन इन लॉ एंड सन्स इन लॉ, इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हैं जी। अब नेक्स्ट है द नाउन केज। एग्जामिन दीज सेंटेंसेस, जॉन थ्रू अ स्टोन, द हॉर्स kicked the boy. In sentence one, the noun John is the subject. John है वो subject है. It is the answer to question who threw a stone. अब ये जो है वो अगर answer है कि किसने जो है वो पत्थर जो है वो फेंका, तो
तो वो होगा जॉन, ठीक है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट थ्री आउट स्टोन इन द प्रेडिकेट, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी इसमें जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं थ्री और स्टोन, ये प्रेडिकेट है पूरा। द जॉन जो है वो सब्जेक्ट, जॉन सब्जेक्ट है, थ्री और स्टोन जो है वो प्रेडिकेट है। एंड द हॉर्स किक्ड द बॉय, द हॉर्स जो है वो प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, एंड द किक्ड द बॉय जो है सेंटेंस ये जो है ये प्रेडिकेट है। व्हाट डिड जॉन, अ स्टोन है, स्टोन इज द ऑब्जेक्ट। व्हाट डिड जॉन थ्रो, अ स्टोन, ठीक है, ये आंसर भी उन्होंने दे दिया। स्टोन इज द ऑब्जेक्ट विच जॉन थ्रू द नाउन, स्टोन इज देयरफॉर कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। अब जैसे है व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ड, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्विजिटिव केस, यानी कि जब भी आप किसी नाउन को और प्रोनाउन को यूज़ करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब में भी आप उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपका कहलाएगा केस कौन सा होगा, एक्विजिटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस, एक्विजिटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस, दोनों ही जो है वो आप इसे कह सकते हैं। टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और वट बिफोर द वर्ब, टू फाइंड द एक्विजिटिव पुट हुम और वट, ठीक है। अब आपने अगर ढूंढना है अक्यूजेटिव यानी अक्यूजेटिव को या फिर ऑब्जेक्टिव केस को, तो आप देखेंगे कि हुम यानी कौन था वो, किसने किया था, ठीक है। और अगर हम देख और व्हाट और क्या था, बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, अ नाउन विच कम्स आफ्टर द प्रेपोजिशन, अच्छा अब नाउन है जो कि आ रहा है प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में प्रेपोजिशन आ रही है उसके बाद जो है वो नाउन आ रहा है, तो आप इसको आप कहेंगे एक्विजिटिव केस। और फॉर एग्जांपल द बुक इज़ इन द डेस्क, अब द बुक है और इज़ इन द डेस्क, अब ये इन के बाद डेस्क आ रहा है, तो ये आपका होगा एक्विजिटिव केस। द नाउन डेस्क, इसमें जो नाउन है वो डेस्क है, इज़ इन द एक्विजिटिव केस और इज़ इन जो है वो क्योंकि इसमें इज़ जो है इज इन, इन यानी जो है वो इसमें प्रेपोजिशन है इन, तो इसके बाद जो है वो डेस्क आया है, तो ये होगा आपका प्रेपोजिशन है, तो ये होगा एक्विजिटिव केस। अच्छा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हरी ब्रोक द विंडो, अब इसमें ये देखें ब्रोक द विंडो, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो, द विंडो वॉज ब्रोकन, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है। जैसे हम एक्टिव पैसिव करते हैं तो उसमें हम चेंज कर देते हैं ना सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को, इसमें वही बात है, हरी जो है वो स्टार्ट में है, हरी ब्रोक द विंडो, अब इसमें विंडो जो टूटी गई है काम उस पर, तो वो ऑब्जेक्ट है, अब द विंडो वॉज ब्रोकन वो सब्जेक्ट है, विंडो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, वहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लास्ट सेकेंड में विंडो ऑब सब्जेक्ट हो गया। इट विल बी सीन that nouns in English have the same forms of the nominative and the accusative. The nominative generally comes before the verbs as the accusative after the verb. Hence, they are distinguished by the order of the words of the or by the sense. जी जैसे example है यहाँ पे compare कर रहे हैं Rama gave a ball. Rama gave Hari a ball. इन ईच ऑफ दी सेंटेंसेज द नाउन बॉल, अब यहाँ पे बॉल जो है वो नाउन है, ठीक है। अब नहीं यहाँ पे देखें इन ईच ऑफ दी सेंटेंसेज द नाउन बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गिव, ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर टोल्ड डैट हरी वॉज द पर्सन टू हुम रामा गेव अ बॉल, द नाउन हरी इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब जो हरी है वो इसमें जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, रामा गेव हरी इज अ बॉल, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें हरी, यानी उसको इनडायरेक्टली कहा गया है, डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसमें है वो बॉल है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो रामा है।
the noun ball, the ordinary object is called the direct object. It will be noticed the positions of the indirect object is immediately after the verb and before the object, direct object. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से भी आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. रामा गेव हरी अ बॉल, रामा गेव अ बॉल टू हरी. ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इसमें डिफरेंस जो है वो बताया जा रहा है. विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर टू मी, विल यू डू अ फेवर टू मी. आई बॉट रामा अ बॉल, आई बॉट अ बॉल फॉर रामा. फेच द बॉय अ बुक, fetch a book for the boy. She made Ruth a new dress, she made a new dress for Ruth. Get me a taxi, get a taxi for me. इस तरह से ये sentences जो हैं ये आपको help out करते हैं कि किस तरह से आपने case में जो है वो direct object और indirect object को जो है वो find करना है. अच्छा, केस में एक टाइप होती है पजेसिव, पजेसिव जिसमें मलकियत शो की जाती है, यानी कि ये चीज़ जो है वो आपकी है, ओनर को जो है वो इसमें शो किया जाता है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ राम्स अम्ब्रेला, राम्स अम्ब्रेला यानी ये जो अम्ब्रेला है ये बिलोंगिंग टू रामा. ठीक है, यानी राम से जो है वो बिलोंग कर रहा है उसका अम्ब्रेला. द फॉर्म ऑफ द नाउन रामा इज चेंज्ड टू रामाज, Rama is changed to Ramas to show ownership of possession. Possession, the noun Ramas is therefore said to be in the possessive or genitive case. अब देखें, possessive को genitive case भी कहा जाता है. Possessive में आप उसमें ownership जो है यानी मलकियत को show करते हैं. ठीक है, आई होप आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा लेक्चर को. इसमें हमने आज के लेक्चर में नाउन को, नाउन फ्रेजेस को, नाउन नंबर, जेंडर एंड केस को और इनके डिफरेंट टाइप्स को जो है वो हमने और विद एग्जांपल्स को अच्छी तरह से पढ़ा है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे. तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़.